आज हम बात करेंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ के बारे में अंडर आईपीसी 1860, जो कि सेक्शन 299 से 311 तक दिए गए हैं। सेक्शन 299, सेक्शन 299 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। सेक्शन 299 कहता है कि जो कोई भी डेथ कॉज करने की इंटेंशन से या ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से जिससे डेथ कॉज हो जाना संभव हो, या यह नॉलेज रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से डेथ कॉज कर दे, कोई कार्य करके डेथ कॉज कर देता है, वह कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस करता है। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन वन कहती है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फर्मिटी से ग्रस्त है, बॉडली इंजरी कॉज करता है और उससे दूसरे व्यक्ति की डेथ क्विक कर देता है, वह उसकी डेथ कॉज करता है, ये समझा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन टू कहती है कि जहाँ की बॉडली इंजरी से डेथ कॉज की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी बॉडली इंजरी कॉज की हो, उसने वह डेथ कॉज की है, यह समझा जाएगा। ऑल्दो प्रॉपर रेमेडी एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट करने से वह डेथ रोकी जा सकती थी। एक्सप्लेनेशन थ्री कहती है कि माँ के गर्भ में स्थित किसी चाइल्ड की डेथ कॉज करना कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, बट किसी लिविंग चाइल्ड की डेथ कॉज करना कल्पेबल होमिसाइड की कोटी में आ सकेगा, यदि उस चाइल्ड का कोई पार्ट बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस चाइल्ड ने ब्रेथ ना ली हो या वह कंप्लीटली बोर ना हुआ हो। सेक्शन 300 बताता है मर्डर के बारे में। सेक्शन 300 कहता है कि कुछ केसेस को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा डेथ कॉज की गई हो, डेथ कॉज करने की इंटेंशन से किया गया हो। सेकेंडली, यदि वह ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से किया गया हो जिससे ऑफेंडर जानता हो कि उस व्यक्ति की डेथ कॉज करना संभव है जिसको वह हार्म कॉज की गई है। थर्डली, यदि वह किसी व्यक्ति को बॉडली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से किया गया हो और वह बॉडली इंजरी जिसके कॉज करने की इंटेंशन हो नेचर के ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज करने के लिए सफिशियंट हो। फोर्थली, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वह डेथ कॉज कर ही देगा या ऐसे बॉडली इंजरी कॉज कर देगा जिससे डेथ कॉज होना संभव है, और वह डेथ कॉज करने या पहले बताए हुए किसी भी इंजरी कॉज करने की रिस्क उठाने के लिए किसी एक्सक्यूज के बिना ऐसा कार्य करे। एक्सेप्शन वन कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं है। एक्सेप्शन वन हमें बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि ऑफेंडर उस समय जबकि वह ग्रेव एंड सटन प्रोवोकेशन से सेल्फ कंट्रोल की पावर से डिप्राइव्ड हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रोवोकेशन दिया था डेथ कॉज करे या किसी अन्य व्यक्ति की डेथ बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली कॉज करे। एक्सप्लेनेशन, प्रोवोकेशन इतना ग्रेव एंड सडन था या नहीं कि ऑफेंस को मर्डर की कोटी में जाने से बचा दे, यह एक तथ्य का प्रश्न है। इसकी एक्सेप्शन टू हमें बताती है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि ऑफेंडर बॉडी और प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के राइट को गुड फेथ में यूज में लाते हुए लॉ द्वारा उसे दी गई पावर का अतिक्रमण कर दे और प्री मेडिटेशन के बिना और ऐसे डिफेंस के पर्पस से जितना हार्म करना आवश्यक हो उससे अधिक हार्म करने के किसी इंटेंशन के बिना उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर दे जिसके अगेंस्ट वह डिफेंस का ऐसा राइट यूज में ला रहा हो। एक्सेप्शन थ्री, एक्सेप्शन थ्री हमें बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि वह ऑफेंडर ऐसा पब्लिक सर्वेंट होते हुए या पब्लिक सर्वेंट को मदद करते हुए जो पब्लिक जस्टिस की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे लॉ द्वारा जो पावर दी गई है उससे आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य कर दे जिसे वह लॉफुल और ऐसे पब्लिक सर्वेंट के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का गुड फेथ में विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी की डेथ कॉज की गई है इल विल के बिना डेथ कॉज करे।
एक्सेप्शन 4, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि होमिसाइड सडन झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई सडन लड़ाई में प्री मेडिटेशन के बिना और ऑफेंडर द्वारा अनड्यू एडवांटेज उठाए बिना या क्रूल और अनयूजुअल मैनर से कार्य किए बिना किया गया हो। एक्सप्लेनेशन, ऐसी दशाओं में ये तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रोवोकेशन देता है या पहला असॉल्ट करता है। एक्सेप्शन 5, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी डेथ कॉज की जाए 18 वर्ष से अधिक एज का होते हुए अपनी कंसेंट से डेथ होना सहन करे या डेथ की रिस्क उठाए। सेक्शन 301, जिस व्यक्ति की डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी उससे भिन्न व्यक्ति की डेथ करके कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 301 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा जिससे उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करना हो या जिससे वह जानता हो कि डेथ कॉज होना संभव है, किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करके जिसकी डेथ कॉज करने की ना तो उसकी इंटेंशन हो और ना वह यह संभव जानता हो कि वह उसकी डेथ कॉज करेगा, कल्पेबल होमिसाइड करे, तो ऑफेंडर द्वारा किया गया कल्पेबल होमिसाइड उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की डेथ कॉज करता जिसकी डेथ कॉज करना उसके द्वारा इंटेंडेड था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी डेथ कॉज होना संभव है। सेक्शन 302, पनिशमेंट फॉर मर्डर। जो कोई मर्डर करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 303, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए मर्डर करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 304, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 304 कहता है कि जो कोई ऐसा कल्पेबल होमिसाइड करेगा जो मर्डर की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा डेथ कॉज की गई है, डेथ या ऐसी बॉडिली इंजरी जिससे डेथ होना संभव है कॉज करने के इंटेंशन से किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह कार्य इस नॉलेज के साथ कि उससे डेथ कॉज करना संभव है बट डेथ या ऐसी बॉडिली इंजरी जिससे डेथ कॉज करना संभव है कॉज करने की किसी इंटेंशन के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। जो कोई रैशली और नेग्लिजेंटली किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करेगा जो कल्पेबल होमिसाइड की कोटि में नहीं आता वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 304B, डावरी डेथ। सब क्लोज 1, जहां किसी वुमेन की डेथ किसी बर्न या बॉडिली इंजरी द्वारा कॉज की जाती है या उसकी मैरिज के 7 वर्ष के भीतर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से अन्यथा हो जाती है और यह शो किया जाता है कि उसकी डेथ के कुछ पूर्व उसके हस्बैंड ने या उसके हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने डावरी की किसी डिमांड के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूलिटी की थी या उसे हरेस किया था, वहां ऐसी डेथ को डावरी डेथ कहा जाएगा और ऐसा हस्बैंड और रिलेटिव उसकी डेथ कॉज करने वाला समझा जाएगा। सब क्लोज 2, जो कोई डावरी डेथ कॉज करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी बट जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 305, चाइल्ड और इंसेन पर्सन की सुसाइड का अबेटमेंट। यदि कोई 18 वर्ष से कम एज का व्यक्ति, कोई इंसेन पर्सन, कोई डेलीरियस पर्सन, कोई इडियट और कोई व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में है सुसाइड कर ले तो जो कोई ऐसे सुसाइड के किए जाने का अबेटमेंट करेगा वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी 10 वर्ष से अधिक की ना हो सकेगी
दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 306, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करे तो जो कोई ऐसे सुसाइड का अबेटमेंट करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। सेक्शन 307 हमें बताता है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसी इंटेंशन या नॉलेज से और ऐसे सरकमस्टांसेस में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा डेथ कॉज कर देता तो वह मर्डर का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को हर्ट कॉज हो जाए तो वह ऑफेंडर या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसे पहले मेंशन है। अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट्स। जबकि इस सेक्शन में डिस्क्राइब ऑफेंस करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि हर्ट कॉज हुई हो तो वह डेथ से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 308, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। जो कोई किसी कार्य को ऐसी इंटेंशन या नॉलेज से और ऐसे सरकमस्टांसेस में करेगा कि यदि उस कार्य से वह डेथ कॉज कर देता है तो वह मर्डर की कोटि में ना आने वाला कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 309, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सेक्शन 309 हमें बताता है कि जो कोई सुसाइड कमिट का अटेम्प्ट करेगा और उस ऑफेंस के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 310, ठग। जो कोई इस एक्ट के पास होने के बाद किसी समय मर्डर करेगा या मर्डर सहित रॉबरी और चाइल्ड स्टीलिंग करने के पर्पस के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से हैबिचुअली एसोसिएट रहता है, वह ठग है। सेक्शन 311, पनिशमेंट फॉर ठग। जो कोई ठग करेगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।